अंबेडकर महासभा यूपी सीएम योगी को करेगी दलित मित्र से सम्मानित। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की राजनीति की खबरों में आपका बेहद स्वागत है। दलित महासभा 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के मौके पर एक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दलित मित्र से सम्मानित करेंगी। अंबेडकर महासभा के अध्यक्ष लालजी प्रसाद निर्मल के इस फैसले से महासभा के दो वरिष्ठ सदस्य हरीश चंद्र और एस आर दारापुरी बेहद नाराज हैं। उन्होंने निर्मल के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए एनुअल जनरल मीटिंग भी बुलाई है। हरीश चंद्र और दारापुरी का कहना है कि निर्मल ने अपनी सीमाओं को लांघा है। हरीश चंद्र ने कहा कि महासभा का गठन अंबेडकर के विचार लोगों तक पहुंचाने के लिए किया गया था, न कि किसी के निजी फायदे के लिए। उन्होंने कहा कि निर्मल की यूपी विधान परिषद में बीजेपी की टिकट पर नजर है। वहीं निर्मल ने उन पर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीएम योगी को दलित मित्र अवार्ड देने में कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के मित्र हैं और इसी के साथ वो दलितों के भी मित्र हैं। हम दर्शकों को ये बता दें कि 2 अप्रैल को भारत बंद के दौरान यूपी में कई जगहों पर हिंसा हुई, जिसमें कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल भी हुए। विपक्ष लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाता रहा है। वहीं इन आरोपों के बीच अपनी छवि को सुधारने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हर सरकारी दफ्तर में लगाने का आदेश दिया था। तो चलिए, इसी के साथ दीजिए राजनीति की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर हाजिर होंगे जल्द ही ऐसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।